हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फिल कैट फॉर्म। सो लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले हमें गूगल पेज ओपन करना होगा और सर्च करना होगा iimcat.ac.in। यह है कैट की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे हम विजिट करेंगे और कैट का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ रजिस्टर और लॉगिन ऑप्शन है, आप रजिस्टर पर क्लिक करिए अगर आप न्यू यूज़र हैं। देन ये एक पेज लोड होगा जिसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। सो रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया है। रजिस्ट्रेशन पेज में आपको ये अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी, इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एक कैप्चा फिल करना है। देन कैप्चा फिल करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आप फिल करोगे देन यू कैन क्लिक ऑन वैलिडेट ओटीपी। आफ्टर दिस यू कैन क्लिक द डिक्लेरेशन फॉर्म। एज यू कैन सी देर इज डिक्लेरेशन, यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री। एंड आफ्टर दैट फिलिंग द कैप्चा यू कैन क्लिक ऑन सबमिट एंड द नेक्स्ट पेज विल ओपन वेयर ऑल द डिटेल्स आर देयर एंड अ पॉपअप विल बी देयर विच विल बी सजेस्टिंग दैट कि जो यूज़र आईडी है और जो पासवर्ड है आपको ईमेल और मैसेज के थ्रू आ गया होगा। वो डेटा, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको फिल करना है लॉग इन पेज पे और लॉग इन करना है। फिर लॉगिन करेंगे तो आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी है। फर्स्ट होगा आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन, यानी फर्स्ट पेज पे। ये लोड होगा थोड़ा, फिर ओपन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे हम फिल करने वाले हैं पर्सनल डिटेल्स, जिसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। और फिर सबसे नीचे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ सैम्पल फ़ोटो का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कैसी फ़ोटो होनी चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। वो क्लिक करने के लिए आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये दो चीज़ें अपलोड करनी है। फिर यू कैन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। आफ्टर दिस यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। द नेक्स्ट पेज विल ओपन जहाँ पे आपको आपके एकेडमिक्स फिल करने हैं, जैसे कि 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स अगर आपने की है, तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर नीचे आपको फर्दर डिटेल्स, जैसे कि अगर आप कुछ और कोर्सेज किए हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें टिक अनटिक करनी है, लाइक यू आर यू अ PW स्टूडेंट, PWD स्टूडेंट या वगैरह वगैरह। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड फर्दर अगर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन ऑल्सो फिल दैट, क्योंकि कुछ लोग वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी MBA करना चाहते हैं, देन ये ऑप्शन उनके लिए है, अदरवाइज फ्रेशर्स के लिए नहीं है। देन फर्दर यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट पेज विल ओपन जहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, लाइक आप कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने वाले हो। सो आई विल सजेस्ट प्लीज़ क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल, जिससे कि यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द कोर्सेज। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेलेक्ट ऑल, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द इंटरव्यू सिटी, क्योंकि अगर आप उस कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगे आफ्टर योर कैट स्कोर, देन यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू राउंड। सो उसके लिए हमें अपना चॉइस देना पड़ता है कि कौन से सिटी में हम इंटरव्यू प्रिफर करते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल गाइस, आप अपनी क्लोजर सिटीज ही फिल करिएगा, लाइक दे आर टू ऑप्शंस, इंटरव्यू प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2। तो प्लीज़ सेलेक्ट दी क्लोजर सिटीज सो दैट यू कैन अकोमोडेट एज वेल ईजिली। तो ऐसे ही हर एक के लिए दो दो ऑप्शंस हैं, जो कुछ कोर्सेज है कहीं पे एक ऑप्शन भी हो सकता है। सारे फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है हमें। एंड द नेक्स्ट पेज विल ओपन जहाँ पे हमें टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दैट सिटीज जो आपके करीब हैं, लाइक
आई डिसाइड मुंबई, देन आई विल सेलेक्ट मुंबई, और नेक्स्ट क्लोजर ऑप्शन इज नवी मुंबई, आई विल सेलेक्ट नवी मुंबई इन द सेकेंड ऑप्शन एंड फर्दर मोर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है 2300 रुपीज़ फीस, जो कि कैट की है फॉर जनरल कैटेगरी। देन यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड फर्दर डिक्लेरेशन एंड देन कैप्चा। आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन सबमिट बटन। देन ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको फीस पे करनी है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक का क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। यू कैन क्लिक ऑन UPI एंड पे इट ईजिली एज योर जैसा आपका कन्वीनियंस होगा। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑप्शंस फॉर द पेमेंट ऑफ फीस। द फीस इज 2300 रुपीज़। इसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका फीस पेड हो चुका है, और आपको एक मैसेज और ईमेल भी आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फिल द कैट फॉर्म। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।